नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। लाभ हानि का एक प्रश्न लेकर हम आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं। तो प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो दुकानदार को 75 रुपये का लाभ होता है, वस्तु की कीमत कितनी है। हमें सीधा सीधा बताना है कि वस्तु की कीमत कितनी है। तो वही है कि हमने मान लिया कि वस्तु की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, अब इसमें उसने दो कंडीशन दी है। पहले वो क्या कह रहा था कि हम इसको 5% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी वस्तु को कितने में बेचा होगा, 95 रुपये में, यानी 95 रुपये में उसको सबसे पहले बेचा होगा। फिर दूसरी कंडीशन उसने अप्लाई की है कि हम अगर 5% की हानि पर ना बेचें, इसको क्या किस पे बेचें, 10% लाभ की दर से बेचें। तो यानी वस्तु 100 की है, 10% का लाभ लेंगे, तो यानी वस्तु कितने की बेच दी है, 110 की है। तो उसके आगे उसने कहा है कि तो दुकानदार को 75 रुपये का लाभ होता है। हम अगर अपने अकॉर्डिंग देखें इन दोनों को माइनस करके, तो 95 और 110 इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालें तो कितने रुपए का आता है, 15 रुपये का आता है। अब इसी से हमारा सवाल पूरा सॉल्व हो जाना है। हम प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो दुकानदार को 75 रुपये का लाभ होता है, वस्तु की कीमत कितनी है। दुकानदार को कितने का लाभ हुआ, 75 रुपये का। हमने अपने हिसाब से सॉल्व किया तो कितने का लाभ हुआ, 15 रुपये का। अब हमें निकालना क्या है, वस्तु की कीमत निकालना है। वस्तु की कीमत हमने कितनी मानी थी, 100 रुपये, तो गुणा कर देंगे 100 का, 15 से काटेंगे, 15 × 75 कितना हो गया, 5 × 100 बराबर कितना आ गया, 500। यानी जो वस्तु है उसकी कीमत कितनी है, 500 रुपये। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।